नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं आज आपको फिलिप्स रेडियो में यूएसबी पैनल कैसे सेट करके बजाया जाता है उसके विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो ये लगाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है लगाना, लेकिन ये लगाने से पहले आपको रेडियो की फुल वायरिंग की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको रेडियो की फुल वायरिंग की जानकारी है तो आप 5 मिनट के अंदर इसको लगा सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप नहीं लगा सकते हैं। और रेडियो का वायरिंग का पूरा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में दिया हूँ, आप चाहे तो वो वीडियो देख करके पूरा वायरिंग को कंठस्थ कर सकते हैं। तो मैं आज आपको लगाने का सिर्फ टेक्निक बतलाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसको लगाने से पहले आपको ये स्विच की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये बहुत ही आसान है लगाना। तो ये स्विच, ये इधर और इधर, ये दोनों तरफ चलते हैं। तो इधर जो आप, तो इसका मतलब होता है ये दोनों एक हो जाना और इस साइड ये दोनों एक हो जाना। अगर इधर आप करते हैं तो ये दोनों एक हो जाना और ये दोनों एक हो जाना। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वॉल्यूम का जो पीला वाला वायर है, ये पीला वाला वायर को सीधा ही आपको ये बीच वाले पे कनेक्शन करना है, ये बीच वाले पे। और ये इस पे से ही फिर पीला वाले जहाँ से आप निकाले हैं वहाँ पे कनेक्शन करना है। यानी पीला वाले को निकाल करके यहाँ कनेक्शन करना है और यहाँ से निकाल करके फिर वहाँ पीला जहाँ से निकाले थे वहाँ पे कनेक्शन करना है। तो वो जैसे ही ये इधर आएंगे तो ये दोनों एक होकर के फिर आपकी रेडियो ऑन रह जाएगी। अब रहेगी बात, यहाँ से आप पीला वाले यहाँ पे कनेक्शन किए हैं और आप इधर कर देते हैं तो इसका ऑडियो कट हो जाएगा, तो ये ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक ऑडियो का वायर यह सीधा ही यूएसबी पैनल पे आएंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है। आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख ले, उसमें मैं इसका पूरा वायरिंग का डिटेल समझाया हूँ। तो आपको सीधा ही यहाँ का कनेक्शन, आपको यहाँ जो L लिखा हुआ है और R लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे R और यहाँ पे L लिखा हुआ है, सीधा ही ये दोनों को जोड़ करके जम्पर मार करके सीधा यहाँ पे कनेक्शन कर दीजिए, ठीक है। और इसका ग्राउंड जो है आप रेडियो के सर्किट के ग्राउंड जो होता है उसके साथ ज्वाइंट कर दीजिए। ग्राउंड के बारे में मैं 3-4 जगह दिखाया हूँ, वहाँ कहीं भी कनेक्शन कर सकते हैं ग्राउंड का। और इसको क्या करें, तो 5 वोल्ट जो लिखा हुआ है, ये 5 वोल्ट, ये ग्राउंड, ये सीधा ही यहाँ बैटरी का जो कनेक्शन रहता है रेडियो की रेडियो के सर्किट में, उस पर आप कनेक्शन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये रेडियो को चालू होने के लिए 5 वोल्ट दिए जाते हैं, तो उस पे आप सीधा ही कनेक्ट कर दीजिए डायरेक्टली। ये जैसे ही डायरेक्ट कनेक्ट होंगे तो इसमें लाइट आ जाएगी, इनको 5 वोल्ट मिलने से ये लाइट आ जाएगी और सीधा ही ऑडियो का कनेक्शन यहाँ से लेकर के, यहाँ से ऑडियो का कनेक्शन लेकर के आप सीधा ही यहाँ पे जोड़ दे और यहाँ का कनेक्शन सीधा ही आप वॉल्यूम वाला यहाँ पे जोड़ दे और सीधा यहाँ से वॉल्यूम पे जोड़ दे, तो आपके ये सर्किट ऑन हो जाएंगे। आप जैसे ही मान लो आप इसको इधर करते हैं तो यूएसबी पैनल ऑन हो जाएगी और इसका ऑडियो मिलने से ये चालू हो जाएंगे, ये आपके रेडियो चालू हो जाएंगे। और फिर पुनः इसको बंद करना है तो आप इधर कर दीजिए तो ये सिर्फ रेडियो में कनेक्शन हो जाएंगे, रेडियो ऑन हो जाएंगे। अब रहेगी बात इसकी वोल्ट काटने की, तो मैंने समझाया कि ये 5 वोल्ट जो है इसको सीधा डायरेक्टली आप रेडियो के सर्किट से ले लें और एक वायर को कट करके यहाँ और यहाँ जोड़ दें। मान लो
जैसे आपने प्लस की वायर यहाँ से लेकर के और यहाँ पे आपने जोड़ा, ठीक है, यहाँ से लेकर के आपने सर्किट बोर्ड में जो है 5 वोल्ट जोड़ा, तो आप बीच वाले को कट करके सीधा ही यहाँ पे जोड़ दे, एक यहाँ पे और एक, यानी कि यहाँ कट करके एक दो बज जाते हैं, तो एक यहाँ जोड़ दे, एक यहाँ जोड़ दे इस सेट, तो ये आपको ऑन ऑफ होने लगेंगे। जैसे इधर आएगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, और ये जैसे ही इधर आएंगे तो ये लाइट कट जाएंगे, ये जो है ये खाली पिन रहेंगे, सिर्फ लाइट कट करने के लिए यहाँ पे ये लगाना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे वायरिंग के साथ और बजा करके ही आपको दिखा सकता हूँ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।